वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि अंधभक्त के लिए वार्निंग है, अंधभक्त इस वीडियो को ना देखे क्योंकि अंधभक्तों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2023 में जिसने धूम मचा कर रखा है मोहम्मद शमी ने, अब उनको शादी के लिए प्रपोजल आया है, एक ऑफर आया है। और ऑफर करने वाली कौन है वो आपको बताने वाला हूं। इनको मुसलमानों से बड़ी चिढ़ रहती थी, बहुत ही बुरा भला मुसलमानों के लिए कहा जाता था इनके तरफ से, ये भी सोशल मीडिया पे बताया जाता है। लेकिन आज मोहम्मद शमी को ये शादी के लिए ऑफर करती है और ये खबर बहुत सारे वेबसाइट में छापा भी गया है। इसी से कहा गया कि अंधभक्त इस वीडियो को ना देखे वरना वो सर से लेकर वहां तक जल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि पायल घोष, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने क्या कहा है मोहम्मद शमी को लेकर और शादी को लेकर, ये आपके स्क्रीन पर। पायल घोष ने लिखा, शमी तुम अपना इंग्लिश सुधार लो, आई एम रेडी टू मैरी यू। ये पायल घोष लिखती है। इसी से मैंने शुरुआत में ही वार्निंग दे दिया, अंधभक्त इस वीडियो को ना देखे क्योंकि जलकर वो राख हो जाएंगे। क्योंकि मोहम्मद शमी, जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया, आज अंधभक्तों की दीदी उससे शादी करने के लिए रेडी हो गई है। जिसको लेकर एक यूजर है वो लिखते हैं कि अंधभक्तों देख लो, आज तुम्हारी दीदी अब्दुल के बिना नहीं रह पा रही है, वो खुद उससे शादी करने के लिए राजी हो गई है। इसी से अंधभक्तों को मैंने कहा कि इस वीडियो को ना देखे वरना वो अंधभक्तों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे छापा भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी इज राइजिंग एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। ही हैज टेकन 16 विकेट इन जस्ट फोर गेम्स इन द टूर्नामेंट। नाउ द क्रिकेटर हैज रिसीव अ मैरिज ऑफर फ्रॉम बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष। पायल घोष ने इसे शादी के लिए एक ऑफर ऑफर दिया है कि आप अपना इंग्लिश ठीक कर लीजिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। हालांकि ये बात सिर्फ बोलने के लिए है कि आप अपना इंग्लिश ठीक कर लो, यहाँ पे सिर्फ एक नुस्खा दिया गया है कि आप इंग्लिश ठीक कर लो। असल में इसको करना तो है मोहम्मद शमी से शादी, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी की जो पहली वाइफ है उनसे उनका कुछ बनता नहीं है। इसी को लेकर अब यहाँ पे ये खबर भी देखने को मिली कि अंधभक्तों की जो दीदी है पायल घोष, वो मोहम्मद शमी को शादी के लिए प्रपोज कर रही है और ऐसे में अंधभक्तों के लिए बर्नौल मोमेंट बन गया है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि मोहम्मद शमी से कितना नफरत है अंधभक्तों को और संघियों को, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मोहम्मद शमी जब अच्छा कुछ करते हैं, विकेट पे विकेट लेते हैं, 4 गेम में ही 16 विकेट ले लेते हैं, तो अंधभक्त कम्बल ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है गलती से, तो फिर वहां पे जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। ग्राउंड में ही जो अंधभक्त है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि मोहम्मद शमी को निकाल दो। लेकिन जब अच्छा करते हैं मोहम्मद शमी, तो अंधभक्त जो है वो गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है। फिलहाल आप अपनी राय इस खबर के बारे में जरूर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अंधभक्तों तक, संगियों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी पता चल सके कि अब्दुल के बिना उनकी दीदी, संगी दीदी नहीं रह पा रही।